विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट वन एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय जारी कर दिया है और सेशन 2020 से 2023 का स्नातक पार्ट टू का एग्ज़ाम 5 तारीख से शुरू भी होने वाला है। आप लोगों का कुछ दिन पहले रूटीन जारी हुआ था, कल विश्वविद्यालय आरा स्नातक पार्ट टू का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कल छात्र परेशान थे, 4-5 जो क्वेश्चन था आप लोग का व्हाट्सएप पे आ रहा था, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आ रहा था। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक और आपके सेशन का लिंक, आप उस दोनों लिंक पर टच करके ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्वर है ठीक हो गया है। ज़्यादा ट्रैफिक आ जाने के कारण साइट स्लो हो गया था, जिसके कारण आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो छात्रों का सवाल था, 4-5 जो क्वेश्चन आ रहा था, उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपका जो समस्या है, इस वीडियो के देखने के बाद आपका जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी को पता है कि बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर विश्वविद्यालय आरा का सभी जानकारी दिया जाता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक स्क्रीन शॉट है और स्क्रीन शॉट में लिखा है कि एग्ज़ाम फॉर्म वाज नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, यदि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म वेरीफाइड नहीं हुआ है, यानी कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे जो 395, 295, 495, 595 जितना भी कटा हो, आपसे साइबर कैफे लिया हो, तो आप फॉर्म भरने के बाद कॉलेज में सत्यापन नहीं कराए थे, या लेट आप जमा किए हों या आप नहीं भी जमा किए हों, तो आपका किसी कारणवश एग्जामिनेशन फॉर्म का वेरीफाई नहीं हो पाया है, तो आपको क्या करना है कि अपने कॉलेज में जाकर 31 या 1 तारीख को, 2 तारीख, 3 तारीख, यानी कि आपको 2 तारीख के अंदर में ही आपको अपने कॉलेज में जाकर एग्जामिनेशन फॉर्म का सत्यापन जो है करा लेना है, ताकि आपका एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोड हो जाए और अपना एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर पाएँ। साथ ही यहाँ पे आप एक स्क्रीन शॉट देख सकते हैं कि जिसमें सम एरर स्कोर्ड रिपोर्टेड टू टेक्निकल टीम, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। ये जो प्रॉब्लम था कल फेस करने को देखने को मिल रहा था, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है अब समाप्त हो गया है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्वर एरर था तो इसके चलते आप लोग को ये देखने को मिल रहा था, लेकिन आप इसको आपसे ट्राई करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही ये आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड नॉट अवेलेबल, ये उस केस में देखने को मिलता है कि जब छात्र अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे होते हैं, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे होंगे, तो इस केस में देखने को मिलता है कि एडमिट कार्ड नॉट अवेलेबल, क्योंकि जो आपका डाटा है उस डाटा में नहीं रहेगा तो क्या लिखेगा, एडमिट कार्ड नॉट अवेलेबल। तो आई होप कि ये भी बात आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट डाउट है, छात्रों का जो डाउट है कि यहाँ पे जनरल पास कोर्स में 4 दिखा रहा है सब्जेक्ट, लेकिन ऑनर्स में भी 4 सब्जेक्ट दिखा रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1 में साइकोलॉजी लिखा है, 2 में हिस्ट्री सब्सिडरी लिखा है, 3 में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी लिखा है, साथ ही 4th में हिंदी कंपोजिशन 100 मार्क्स लिखा है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, एडमिट कार्ड है और विश्वविद्यालय कुछ ना कुछ गलती करता है और एडमिट कार्ड में दो, तो इसके बाद यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट देख रहे हैं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी जो है ऑनर्स विषय है, तो ऑनर्स विषय है तो आप लोग को पता है कि पार्ट वन में आप एग्ज़ाम दिए नहीं थे। पार्ट वन में जो साइकोलॉजी का एग्ज़ाम होता है, पूरे 200 मार्क्स का आप एग्ज़ाम कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है सेंटर पर दिए थे, लेकिन पार्ट टू में जो साइकोलॉजी का होता है दूसरा पेपर, वो प्रैक्टिकल होता है, आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाना होगा, कॉलेज का जैसे नोटिस आता है उस नोटिस का इंतज़ार करना पड़ेगा, और उस नोटिस पर जाकर आपको दूसरा पेपर यानी साइकोलॉजी का दूसरा पेपर आपको जाकर अपने कॉलेज में देना होगा। बाकी सभी विषयों का प्रैक्टिकल होता है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तो साइकोलॉजी वाले छात्र परेशान ना हो, उनके लिए यही है कि आपको जो ऑनर्स का दूसरा पेपर है वो पेपर आपको अपने कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना है। हालांकि विश्वविद्यालय यहाँ पे गलती किया है, क्योंकि प्रैक्टिकल का यहाँ पे सब्जेक्ट दे देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारे छात्र इस को छोड़ भी सकते हैं। तो साइकोलॉजी छात्र से यही अनुरोध है कि आप लोग के जितने भी छात्र नज़दीकी होंगे उनको आप प्लीज ज़रूर बताइएगा कि दूसरा पेपर जो प्रैक्टिकल है, ताकि वो छात्र का एग्ज़ाम छूटे ना। ज़्यादातर गर्ल्स में देखने को मिलता है कि वो छात्र एग्ज़ाम छोड़ देती हैं, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, या आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं वीडियो देखे भी ना देखें, जो छात्र देखा भी नहीं होगा, तो आप लोग प्लीज
उनको एग्ज़ाम सेंटर में बता दीजिएगा कि आपका दूसरा पेपर प्रैक्टिकल है, आपको कॉलेज में जाकर प्रैक्टिकल कॉपी बनाकर एग्ज़ाम देने जाना है। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।